एनसीआरटी Physics Class 11 Third Chapter Motion Along Straight Line XT का ग्राफ दे रखा है आपसे साइन पूछ रहे हैं पोजिशन वेलोसिटी एक्सलरेशन तो XT का ग्राफ है साइनासोडिल ग्राफ है तो आप X को क्या लिख सकते हो माइनस ए साइन ओमेगा इंटू टी इस तरह के ग्राफ आपको जब आप फर्दर डिटेल में चैप्टर्स पढ़ोगे तो आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन में इस तरह के ग्राफ देखने को मिलते हैं तो वहां पर जो एक्सेलरेशन होता है वो आता है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव और अगर एक्स नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव तो ये जो रिलेशन है वो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन में रीड करोगे तो फर्स्ट वी टॉक अबाउट द पोजिशन एट डिफरेंट टाइम दैट इज जीरो पॉइंट थ्री पॉइंट टू वन पॉइंट माइनस वन पॉइंट टू तो जीरो पॉइंट थ्री वुड बी समवेयर एट दिस स इज टी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री वन पॉइंट टू वुड बी समवेयर एट दस एंड माइनस वन पॉइंट टू वुड बी समवेर एट दस तो सबसे पहले बात करते हैं पोजीशन की तो पोजीशन जो है वो एट टी इक्वल टू एक्स की बात कर रहे हैं एट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री तो टी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री पर एक्स क्या है लेस देन जीरो टीवल टू वन पॉइंट टू पर पोजिशन जो आएगी वन पॉइंट टू पर जो पोजिशन है वो क्या है minus पर जो time, minus पर जो पोजिशन आएगी दैट इज लेस देन जीरो दिस इज अबाउट पोजिशन नाउ एक्सलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है तो जहां पर एक्स पॉजिटिव है वहां पर ए नेगेटिव होगा और जहां पर ए नेगेटिव है वहाँ पे ए जहाँ पर एक्स नेगेटिव है वहाँ पे ए पॉजिटिव होगा तो एक्स इक्वल टू जीरो पॉइंट टी इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री एक्स लेस देन जीरो तो एक्स लेस देन जीरो है तो एक्सलरेशन उसके अपोजिट होता है क्योंकि एक्सिलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होता है अगर एक्स लेस देन जीरो है तो ए ग्रेटर देन जीरो अगर x ग्रेटर देन जीरो है तो a लेस देन जीरो और अगर एक्स लेस देन जीरो है तो a ग्रेटर देन जीरो बात करते हैं वेलोसिटी की तो वेलोसिटी एटल टू जीरो पॉइंट थ्री वेलोसिटी क्या होती है डी एक्स बाई डी टी दैट इज स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ जीरो पॉइंट थ्री पर जो स्लोप है वो क्या है नेगेटिव है तो वेलोसिटी क्या आएगी लेस देन जीरो एटीक्वल टू वन पॉइंट टू सेकेंड वन पॉइंट टू सेकंड पर वेलोसिटी क्या है स्लोप और स्लोप क्या है पॉजिटिव तो वेलोसिटी इज ग्रेटर देन जीरो एंड टी इक्वल टू माइनस वन पॉइंट टू सेकेंड पर वेलोसिटी माइनस वन पॉइंट टू है तो स्लोप इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी ये वाला एंगल 90 से कम है तो वेलोसिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो